हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रूबी और स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देख लेते हैं आज की रेसिपी। और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जिसे कि बिना तेल के बनाने वाली हूँ। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक नारियल ले लिया है और इसे इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट किया है। और इस नारियल को डाल देंगे ग्राइंडिंग जार में। तो यहाँ पर ये मैंने ग्राइंडिंग जार में इसे डाल दिया है। इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 3 लहसुन की कलियाँ। साथ में यहाँ पर 3 हरी मिर्च मैं डाल रही हूँ और इसमें काफ़ी सारा करी पत्ता डाल देंगे। तो ये मैं करी पत्ते डाल रही हूँ। करी पत्ते की वजह से हमारी चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करी पत्ते इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आधा कप के करीब यहाँ पर मैं करी पत्ते डाल रही हूँ। और इसके साथ ही आधा कप इसमें मैं डाल रही हूँ रोस्ट की हुई चना दाल। आप चाहें तो चने दाल को रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये पहले से ही रोस्ट की हुई मार्केट से खरीदी है, ये इसमें मैंने डाल दी है। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने डाल दिया है नमक स्वाद के अनुसार। और साथ में डाल देंगे पानी। तो इसे हम पीसते समय पानी का यूज़ करेंगे, नहीं तो ये पीसेगा नहीं। इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो इस तरीके से एक बार हम इसमें फिर से पानी ऐड करेंगे और दोबारा से इसे ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये नारियल की चटनी बन के तैयार हो गई है। तो इसे निकाल लेते हैं एक बोल में। तो इस चटनी में तड़का लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये चटनी ऐसे ही बहुत ही टेस्टी है, तो काफ़ी थिक है। इसमें मिला लेंगे पानी। तो जैसा भी आप इसकी थिकनेस रखना चाहते हैं चटनी की, वैसे इसमें पानी मिला सकते हैं। और ये हमारी चटनी बन के तैयार हो गई है। तो अब बनाते हैं इडली। तो इडली बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक बड़ा बोल और इसमें मैं डाल रही हूँ सूजी। तो 3 कप के करीब यहाँ पर मैं सूजी ले रही हूँ। तो सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, मोटी पतली जो भी आपके पास है वो ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने ये 3 कप सूजी डाल दी है इसमें। और 3 कप सूजी के साथ इसमें डाल देंगे 1.5 कप के करीब दही। तो यहाँ पर इसमें मैंने ये दही डाल दी है। और दही डालने के बाद इसमें डाल देंगे 2 कप के करीब पानी और इसे अच्छे से मिक्स करके एक बैटर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैं 2 कप पानी डाल दे रही हूँ और इसे मिक्स कर दे रही हूँ। तो इसमें हम पानी का यूज़ करते हुए इस तरीके से मैंने ये बैटर बना लिया है। इसके बाद इसे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए ताकि सूजी फूल कर सेट हो जाए। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर हमारी ये सूजी फूल गई है, तो ये काफ़ी थिक लग रही है। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और मिलाऊँगी। तो 1/4 कप के करीब मैंने यहाँ पर पानी और डाल दिया। इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे हम इनो फ्रूट सॉल्ट। तो यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट डाल रही हूँ और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि एक्टिवेट हो जाए ये। और इसे मिला देंगे। मिलाने के बाद इसे हम इस बैटर को डाल देंगे इडली के फ्रेम में। तो अगर आप स्टील वाले में बना रहे हैं तो स्टील वाले में बना सकते हैं। 15 से 20 मिनट में इडली तैयार हो जाएगी। और मैं यहाँ पर माइक्रोवेव में बना रही हूँ तो केवल 5 मिनट में मैं इसे इडली बनाऊँगी। तो इस तरीके से इसे थोड़ा सा घी लगाकर इसे ग्रीस कर लें और ये जो बैटर हमने बनाया इसमें डाल लेते हैं। और 5 मिनट के लिए इसे हम स्टीम कर लेंगे माइक्रोवेव में। और सेम प्रोसेस से आप स्टील वाले में भी कर सकते हैं। तो मैंने ये इसमें डाल दिया है सारा बैटर और बाकी बची हुई इडली भी इसी तरीके से हम तैयार करेंगे। तो ये देखिए मैंने स्टीम कर लिया है। बहुत ही सॉफ्ट सी हमारी इडली बनके तैयार हुई है केवल 5 मिनट में। इस तरीके से ये ज़ीरो ऑयल रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। मेरे साथ कमेंट करके शेयर करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।